रेप के आरोप में जैन मुनि आचार्य शांति सागर महाराज गिरफ्तार, लड़की को आशीर्वाद देने के बहाने बुलाकर बलात्कार का आरोप। सूरत में 1 अक्टूबर को ही वारदात, 19 साल की लड़की अपने माता पिता के साथ नानपुरा के दिगंबर जैन मंदिर में रुकी थी। पुलिस ने धारा 376A के तहत मामला दर्ज कर जांच में शुरुआत की। जैन मुनि को धर्मगुरु मानता था परिवार। गिरफ्तारी के बाद पुलिस जैन मुनि शांति सागर को अस्पताल लेकर गई, मेडिकल चेकअप कराया। जैन मुनि आचार्य शांति सागर ने खुद को बताया निर्दोष, कहा हमें फंसाया गया है, पैसे मांगे गए। जैन मुनि के अनुयायियों ने भी आरोप को झूठा बताया, निष्पक्ष जांच की मांग की, दबाव या लालच में शिकायत का आरोप लगाया। पुंछ के बालाकोट सेक्टर में पाकिस्तान की कायरता, बच्चों को बनाया निशाना, हेवी फायरिंग में 4 बच्चे घायल। बच्चों को पुंछ के अस्पताल में भर्ती कराया गया, सैंडोट इलाके में रहने वाले 4 बच्चे एक ही परिवार से हैं। पाकिस्तान ने सैंडोट, खानाटीर और बसौनी के रिहायशी इलाकों में की भारी गोलीबारी, सुरक्षा बलों ने मुंहतोड़ जवाब दिया। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में पुलिस पार्टी पर आतंकी हमला, ड्राइवर खुर्शीद अहमद टाक शहीद, 2 जवान घायल। मेडिकल कैंप से लौट रही थी पुलिस की टीम, आतंकियों ने नंदी मार्ग क्रॉसिंग पर घात लगाकर हमला किया। शहीद जवान खुर्शीद अहमद ने दिखाई बहादुरी, जख्मी होने के बावजूद गाड़ी चलाते रहे, साथियों की बचाई जान। आतंकियों की हथियार लूटने की थी साजिश, जवानों ने साजिश को नाकाम किया, आतंकियों की तलाश जारी। मारा गया कश्मीर का उसामा, सुरक्षा बलों ने पुलवामा में लश्कर के टॉप कमांडर वसीम शाह को किया ढेर, 10 लाख का था इनाम। आतंकियों के घर पुलवामा के लिटर इलाके में 4 साल बाद एनकाउंटर, शाह का बॉडीगार्ड भी ढेर। दिल्ली में गाजीपुर में कचरे के पहाड़ में आग लगी, आग लगने से आसपास के इलाके में फैला जहरीला धुआं। आग लगने से आसपास के इलाके में लोगों को सांस लेने में हुई परेशानी, फायर ब्रिगेड ने कई घंटे बाद काबू पाया। गुजरात में चुनाव से पहले इंडिया टीवी पर देखिए चुनावों का सबसे बड़ा चुनाव मंच, आज दिन भर गुजरात की राजनीति से जुड़े सभी दिग्गज एक मंच पर नजर आएंगे। इंडिया टीवी के एडिटर इन चीफ रजत शर्मा पूछेंगे राजनीतिक दिग्गजों से सवाल, अमित शाह, विजय रूपानी, अहमद पटेल समेत कई दिग्गज देंगे जवाब। दिल्ली में हुई बीजेपी की केंद्रीय चुनाव कमेटी की बैठक, गुजरात और हिमाचल प्रदेश के चुनाव पर चर्चा। बीजेपी चुनाव कमेटी की बैठक में पीएम मोदी और अमित शाह भी हुए शामिल, रात करीब 10 बजे तक चली मीटिंग। सोमवार शाम तक हो पाएगी राजेश और नूपुर तलवार की रिहाई, कोर्ट से रिहाई का आदेश, जेल तक पहुंचने में लगेगा वक्त। रिहाई में हो रही देरी पर बोले आरुषी के दादा, डिजिटल युग होने के बावजूद अब तक जेल से बाहर नहीं आए आरुषी के मम्मी पापा। गाजियाबाद के डीएम ने प्रशासनिक अमले के साथ दासना जेल का निरीक्षण किया, माचिस लाइटर के अलावा कोई आपत्तिजनक चीज नहीं मिली। नीयू की छात्रा गुरमेहर कौर को टाइम मैगजीन में जगह, 2017 के नेक्स्ट जनरेशन लीडर्स की लिस्ट में शामिल किया। गुरमेहर कौर इस लिस्ट में एकमात्र भारतीय, गुरमेहर ने कहा वो काफी खुश और गर्व महसूस कर रही। IMF की एनुअल मीटिंग में बोले वित्त मंत्री अरुण जेटली, उभरते हुए बाजारों के लिए IMF के कोटे में बदलाव की सख्त जरूरत। IMF चीफ क्रिस्टीन लेगार्ड ने की भारतीय अर्थव्यवस्था की तारीफ, का भारतीय अर्थव्यवस्था बेहद मजबूत रास्ते पर, भविष्य में दिखेगा परिणाम। RSS में महिलाओं पर वाले सवाल पर सुषमा ने राहुल को दिया जवाब, का ऐसी बात कहना नहीं देता शोभा। सुषमा ने राहुल को UPA शासन की दिलाई याद, कहा मनमोहन कैबिनेट में 2 महिला मंत्री थी, मोदी सरकार में 6 महिला मंत्री। स्मृति ईरानी ने राहुल को दिया शाराना जवाब, भूख पर देश को बदनाम करने का लगाया भूख वाले बयान पर योगी ने भी राहुल को दिया जवाब, कहा गरीबी और नक्सलवाद कांग्रेस की थी। RSS ने पटाखों पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का किया विरोध, का प्रदूषण रहित पटाखे चलाने की अनुमति हो। रोहिंग्या मुसलमानों पर RSS का बयान, कहा रोहिंग्या के भारत में आने के पीछे बड़ी साजिश। भोपाल में RSS के सर कार्यवाहक सुरेश भैया जी जोशी ने कहा म्यांमार सरकार ने बिना वजह इतना बड़ा फैसला नहीं लिया होगा। रोहिंग्या मुद्दे पर ओवैसी ने सरकार पर फिर साधा निशाना, पूछा जब बांग्लादेशियों और तिब्बतियों को शरण मिल सकती है तो रोहिंग्यों को क्यों नहीं। पटना में पीएम मोदी के कार्यक्रम में नजर आए कांग्रेस नेता अशोक चौधरी, नीतीश की चुटकी, कांग्रेस बाहर का रास्ता ना दिखा दे। लालू ने कहा पटना यूनिवर्सिटी के नाम पर पीएम ने बनाया बेवकूफ, यूनिवर्सिटी में टीचर्स की कमी। मुकामा में पीएम मोदी के साथ मंच पर पप्पू यादव मौजूद, कहा मेरे क्षेत्र के रोड का शिलान्यास होना था। गौरी लंकेश मर्डर के 40 दिन बाद SIT ने 2 हमलावरों के 3 स्केच जारी किए, लोगों से पहचानने में मदद को कहा। SIT ने गौरी लंकेश के घर की तरफ जाते बाइक सवार की CCTV तस्वीर भी जारी की, इसी बाइक सवार के गोली चलाने का शक। कर्नाटक के मंत्री रोशन बैग ने तार तार की मर्यादा, पीएम मोदी के लिए कहे अपशब्द। विवाद बढ़ने पर मंत्री रोशन बेग ने ट्वीट कर कहा मैं किसी का नहीं करता अपमान, किसी को बुरा लगा तो मैंने माफी मांगी। कर्नाटक BJP ने मंत्री के खिलाफ दर्ज कराई शिकायत, PM को अपशब्द कहने के लिए कार्रवाई की मांग। UP के शामली में पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़, एनकाउंटर में 2 बदमाश घायल, पुलिस ने दबोचा।
बाबरी थाना इलाके में ग्राम प्रधान को लूटकर भाग रहे थे बदमाश। पुलिस ने पीछा किया तो बदमाशों ने फायरिंग कर दी। दिल्ली के महरौली में मर्डर की सनसनीखेज वारदात, एक युवक का शव 3 टुकड़ों में मिला। 30 साल के युवक विपिन जोशी का शव फ्रिज के अंदर से मिला। वारदात में इस्तेमाल चॉपर भी बरामद। पुलिस को बंगाल के रहने वाले बादल मंडल पर हत्या का शक, तलाश में जुटी पुलिस। महाराष्ट्र कांग्रेस प्रवक्ता महादेव शेलार ने की खुदकुशी, मुंबई में अपने घर में फांसी लगाकर जान दी। पुलिस को शेलार के घर से सुइसाइड नोट बरामद, शुरुआती जांच के मुताबिक बीमारी के कारण जान दी। फरीदाबाद में कौरक्षकों की गुंडागर्दी, कौमांस के शक में ऑटो ड्राइवर और उसके साथियों को जमकर पीटा। घायल ऑटो ड्राइवर को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। पुलिस ने पीड़ितों के खिलाफ मामला दर्ज करने की जांच शुरू की। इलाहाबाद छात्र संघ चुनाव में समाजवादी पार्टी ने मारी बाजी, 5 सीटों में से 4 सीटों पर कब्जा किया। समाजवादी छात्र सभा के अवनीश कुमार यादव बने अध्यक्ष, जबकि एवीपी को केवल महामंत्री पद से संतोष करना पड़ा। यूपी में अब सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में होंगे सभी बोर्ड एग्जाम। दिसंबर तक सभी केंद्रों पर कैमरे लगाने का आदेश जारी। शाजापुर में रेलवे की बड़ी लापरवाही आई सामने। अधिकारी के सामने टूटी पटरी से गुजरती रही ट्रेन रोकने के बजाय कर्मचारियों को हड़काते दिखे अधिकारी। मिर्जापुर पुलिस की अनोखी पहल, 3 छात्रों को एक दिन के लिए बनाया 3 थानों का कोतवाल। तीनों ने मिर्जापुर पुलिस की निबंध प्रतियोगिता में हासिल किया था पहला स्थान। 12वीं की छात्रा शिवांगी बनी शहर कोतवाल। दिवाली से पहले मिलावटखोरों के खिलाफ कार्रवाई जारी, वाराणसी में 6 क्विंटल नकली मावा किया नष्ट। कुरुक्षेत्र के शाहबाद में मिठाई की दुकानों पर हेल्थ विभाग का छापा, कई दुकानदार दुकान बंद कर भागे। यूपी के हापुड़ में नकली मावा बनाने वाली फैक्ट्री पर छापा, खाद्य विभाग ने 2.5 क्विंटल नकली मावा जब्त किया। मुंबई के चरनी रोड स्टेशन के पास फुट ओवर ब्रिज का हिस्सा गिरा, एक शख्स घायल अस्पताल में भर्ती। बागलुरु में बारिश ने ली 5 लोगों की जान। शुक्रवार रात कुरबरहल्ली और लगेरे में गिरी थी मकान की दीवार। बेंगलुरु में तेज बारिश का कहर, मंदिर में पानी घुसने से बहा पुजारी, शव बरामद। बेंगलुरु में एक और जगह घर में पानी घुसने से मां और उसकी बेटी बही, तलाश में जुटी एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम। तेलंगाना के मेडचल में नाले में गिरा युवक बह गया, तेज बहाव की वजह से रस्सी के सहारे बचाने की कोशिश भी नाकाम। हैदराबाद में तेल और लहसुन का पेस्ट बनाने वाली फैक्ट्री पर छापा, भारी मात्रा में नकली तेल और पेस्ट बरामद, 3 गिरफ्तार। मध्य रेलवे के मोटरमैन आज से नहीं करेंगे ओवर टाइम, रेलवे अधिकारी के नौकरी से बर्खास्त करने की धमकी से नाराज। मुंबई के ठाणे में शातिर चोर गिरफ्तार, 2.5 मिनट में 2.5 करोड़ की चोरी का दिया अंजाम, सीसीटीवी में कैद पूरी वारदात। 49 साल का विनोद 45 साल से कर रहा था चोरी, ज्वेलरी शॉप्स को बनाया था निशाना, हैदराबाद में 56 किलो सोना ले उड़ा था। यूपी के देवरिया में मंदिर की जमीन पर अतिक्रमण को लेकर बवाल, फायरिंग में 3 लोगों की मौत। दिल्ली से गायब हुए जैन गुरु गनी राजेंद्र महाराज लुधियाना से मिले, 2 लोगों पर अगवा करने का आरोप लगाया। यूपी के हापुड़ में अवैध पटाखा फैक्ट्री का भंडाफोड़, लाखों के पटाखे और सामान जब्त, 3 लोग गिरफ्तार। यूपी के शाहजहांपुर में नकली तेल बनाने वाली फैक्ट्री का पर्दाफाश, हजारों लीटर नकली सरसों का तेल बरामद। इटावा में अवैध खनन में पैसों के बंदरबांट का खुलासा, दारोगा ने बताया सिपाही से लेकर एसएसपी तक का रेट। नागपुर में ट्रेन से शराब तस्करी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश, महिलाएं भी गैंग में शामिल। मथुरा में थाना हाईवे इलाके में मां के साथ जा रही युवती का अपहरण, दिनदहाड़े कार सवार 3 बदमाशों ने किया अगवा, पुलिस तलाश में जुटी। आजमगढ़ में वाहन चेकिंग के दौरान बदमाशों ने की फायरिंग, पुलिस की जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश को लगी गोली, दूसरा फरार। दिल्ली में मुरादाबाद के बीजेपी सांसद के सरकारी आवास में चोरी, बदमाशों ने 22 लाख के सामान उड़ाए। सूरत में पुलिस ने 47 लाख के 200 रुपए के नोट के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया, ब्लैक मार्केटिंग करने का आरोप। यूपी के बागपत में गैंगरेप, पीड़ित ने की खुदकुशी, 3 महीने पहले अगवा कर दबंगों ने किया था गैंगरेप। बलिया के जिला अस्पताल में शर्मसार करने वाली तस्वीर, पोस्टमार्टम रूम के बाहर घंटों लावारिस हालत में पड़ा रहा शव। आतंकी हाफिज सईद पर फिर खुली पाकिस्तान की पोल, पाकिस्तान की पंजाब सरकार ने हाफिज की नजरबंदी जारी रखने की याचिका वापस की। बंदूकों की रिहाई के बाद पाकिस्तान को लेकर अमेरिका के बदले सुर, ट्रंप ने कहा पाकिस्तान से बेहतर संबंध की शुरुआत। रिहाई के बाद कनाडा के नागरिक ने किया दर्द बयां, हक्कानी नेटवर्क पर बच्चे की हत्या और पत्नी से रेप का आरोप लगाया। सोमालिया की राजधानी मोगादिशु में ट्रक में जोरदार धमाके के बाद लगी आग, 20 लोगों की मौत, कई घायल। फ्रांस की सेना का प्लेन आइवरी कोस्ट में दुर्घटनाग्रस्त, 4 लोगों की मौत, 6 घायल। नॉर्थ कैलिफोर्निया में लगी आग पर अब तक काबू नहीं, हेलीकॉप्टर से आग बुझाने की कोशिश। नॉर्थ कैलिफोर्निया के जंगल में लगी आग के दौरान रेस्क्यू की आई तस्वीर, विकलांग महिला को पुलिस ने बचाया। न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले 3 वनडे के लिए टीम इंडिया का ऐलान, ओपनर शिखर धवन और शार्दुल ठाकुर की वापसी। वनडे सीरीज के लिए भारत पहुंची न्यूजीलैंड की टीम, 22 अक्टूबर को मुंबई में पहला वनडे।
श्रीलंका के क्रिकेटर्स का तीसरा टी20 खेलने पाकिस्तान जाने से इनकार, तटस्थ केंद्र पर मैच कराने की मांग। एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप से वापसी करेंगे मैरी कॉम, कहा देश के लिए और मेडल जीतने की करेंगी कोशिश। नडाल ने फ्रांस की पूर्व खेल मंत्री पर मानहानि केस किया, डोपिंग से बचने के लिए बहाने बनाने का लगाया था आरोप। दिवाली से पहले फाइल करना होगा GSTR 3B रिटर्न, नहीं बढ़ेगी तारीख, 20 अक्टूबर तक फाइल करना है रिटर्न। मारुति सुजुकी डिजायर कार बेस्ट सेलिंग कारों में शामिल, 5 महीने में 95,000 से ज्यादा कारों की हुई बिक्री। प्रधानमंत्री सौभाग्य योजना के तहत 3 करोड़ घरों को मिलेगी बिजली कनेक्शन, एक कनेक्शन पर 4,500 रुपए का खर्च। विद्या बालन की फिल्म तुम्हारी सुलू का ट्रेलर रिलीज, रेडियो जॉकी के रूप में नजर आई। श्रद्धा कपूर ने की पटाखा फ्री दिवाली मनाने की अपील, सोशल मीडिया पर हुई ट्रोल। न्यूज 100 में बस इतना ही, लेकिन आगे बढ़ने से पहले बात गुजरात विधानसभा चुनाव की। कुछ ही महीने में गुजरात में चुनाव होने वाले हैं, उससे पहले इंडिया टीवी आपके लिए आज लेकर आया है चुनावों का सबसे बड़ा शो चुनाव मंच, जहां गुजरात की राजनीति से जुड़े सारे दिग्गज एक मंच पर नजर आएंगे। अहमदाबाद से रजत शर्मा के साथ देखिए चुनाव मंच आज दिन भर सिर्फ इंडिया टीवी पर।